एज ऑलवेज वी आर इन व्हीकल। मैं अभी एक्चुअली मेरे घर के गेमिंग रूम में था और मैं वहाँ से निकला हूँ और अभी मैं बूट कैंप जा रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा पहुँचने को। और इस वक्त रात के 3 बजे हैं, तो एक्साइटमेंट मेरी इतनी ज़्यादा है कि मैं, मतलब मैंने आप लोगों से ये चीज़ छुपाई। आप में से बहुत से लोगों को ये चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा अंदाज है कि मैं किस चीज़ के बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन सीन क्या है कि मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ये सरप्राइज बताऊँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा बॉम्ब हम फोड़ने जा रहे थे, है कि नहीं? मतलब है, मतलब अभी आपको पता नहीं है, मैं ये शूट कर रहा हूँ तो आपको पता नहीं है सब चीज़, इस वीडियो की थंबनेल वगैरह को देख के आपको सारी चीज़ें पता चलेगी। तो ये जो चीज़ होने जा रही है ना, इसका फर्स्ट क्रेडिट मैं अपने बाबा को देना चाहूँगा। बाबा कुल इज्जत, थैंक यू सो मच, आपने मेरे अंदर बाइक्स का वेट जगाया। दूसरा क्रेडिट मैं अपने आपको देना चाहूंगा कि वो वेट जगने के बाद मैं एक्चुअली वेड़ा हो गया बाइक्स को लेके, बहुत खतरनाक लेवल। एक मिनट, जरा एसी ऑफ कर देता हूँ। और तीसरा क्रेडिट मेरी श्रीमान फैमिली को मैं देना चाहूंगा, क्योंकि मैं वो बाइक ले ही नहीं सकता था अगर मैं जॉब कर रहा होता या फिर मैं जो भी कर रहा होता, इन 4 सालों में वो बाइक ले ही नहीं सकता था, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो वो मैं ऐसी बाइक वो है कि उसका मैं ड्रीम भी नहीं देख सकता हूँ। 20 लाख बहुत ज्यादा रकम होती है, अगर नॉर्मल बंदा होता तो 20 लाख मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है ना, मतलब टेंशन ही आ जाती, 20 लाख क्या चीज है भाई साहब। तो फाइनली ये जो सपना है, सपना नहीं बोल सकता हूँ, बस मतलब अच्छा लगा वो चीज लेने का, ठान लिया और दिल में विचार किया कि यस चल नडूया। घबराया का विषय, गाना पता है ना, डर है तुझे इस बात का, हम तेरे साथ ही है जानी, फिर चाहे फिर काहे सोचे दीवानी। तो बस डरा नहीं और विषय नहीं, अभी तुम्हारा भाई जो है वो निकल पड़ा है और कल वो हसीना को मैं देखने वाला हूँ, जिस हसीना का इंतजार आप, मैं, हम सब कर रहे थे। आपने सोचा कि हम लेंगे CBR 650, मैंने भी सोचा मैं CBR 650 लेने वाला था, लेकिन वो टाइम पे दगाबाजी हुई तो सब सत्यानाश हुआ, बहुत डिले कर रहे थे शोरूम वाले। लेकिन कावासाकी वाले चार्ली को मैंने बोला तू बाइक ढूंढने के लिए जा, BMW वगैरह देख, BMW 1000RR या फिर ये, तो ये BMW के लिए 1 महीना वेटिंग थी और इस बाइक के लिए 5-6 दिन जो पहले था, बाइक रेडी थी उनके पास स्टिल 5-6 दिन। तो मैंने फटाफट EMI करने का बोला और मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगा वंस अगेन मोबिन सर, अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो तो बहुत प्यार आपको, इन्होंने तुरंत मेरा EMI करके दिया और एक रातों रात EMI करके दिया और दूसरे दिन उनको पूरा पेमेंट भी पहुंचा दिया। और उस व्यक्ति को मैं पता भी नहीं कौन हूँ, वो कावासाकी वाला क्या, उसको पता भी नहीं मैं कौन हूँ क्या हूँ, फिर भी उस बंदे ने इतना अच्छा कस्टमर सर्विस दिया है ना, सीरियसली खुद कॉल करके चीजें पूछता था प्यार से बहुत, और उसने मुझे कॉल करके एक ऐसी चीज बोली उसके बाद, मतलब वो बता नहीं सकता हूं मैं। उसके बाद मैंने वेट किया, मैंने बोला ठीक है हम रुक जाते हैं और 2 दिन रुक जाते, मतलब हमें मिलने वाली थी बाइक संडे को, तो और दिन रुक जाते 2 दिन। और उस बंदे ने मुझे कॉल किया, बोला तुम्हारा काम हो गया भाई, मैंने जल्द से जल्द करा दिया है और जिस दिन पे अपना डिसाइड हुआ था उसी दिन पे बाइक आ रही है और 2023 का मॉडल आ रहा है, तो मैं खुश हो गया। तो आए हाय, मतलब 2022 का मॉडल सेम ही था तो 23 का आ गया, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ और मैं एक्साइटमेंट में उसको बोला कि यार लव यू ब्रो, मैं तुझे किसिंग करना चाहता हूँ मैं मिलते ही। तो वो लाजा, ऐसा लाजा, मतलब अभी टॉपिक तो अपना किसिंग विसिंग का अलग रहता है, लाजा और बाकी कुछ नहीं है। फाइनली बाइक आ गई है शायद वहां पे और उन्होंने मुझे बोला आप सुबह सुबह आ जाओ और बाइक लेके। और माँ को मैंने ये चीज बताई नहीं है क्योंकि माँ को पसंद नहीं है कि मैं बाइक चलाऊँ, उसने मुझे स्ट्रिक्टली वार्निंग दी है कि बाइक अलाउ ही नहीं है तुझे, बट स्टिल मेरी वो हॉबी है, मैं बाइक्स के पीछे दीवाना हूँ और मैं चाहता था मेरे लाइफ में मैं एक सुपर बाइक लूँ। तो माँ अगर आप देख रही हो तो गुस्सा मत करना, मैं बिल्कुल भगाने नहीं वाला हूँ सुपर बाइक, एकदम सेफ्टी गियर पहन के चलाऊंगा, टेंशन मत लो। और अब कल मैं माँ को सरप्राइज देने वाला हूँ, वो चीज दिखा के, वो बाइक दिखा के माँ बहुत खुश होने वाली होगी शायद, वो तो आप देखोगे इसी व्लॉग में जो भी होने वाला है। अभी फिलहाल मैं अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल में रख के मैं अभी बूट कैंप जा रहा हूँ और अभी शांत रहता हूँ बूट कैंप में, देखते सबकी क्या कहते हैं उसको, मतलब उनका ये रहता है ना, वो लोग देख रहे हैं फ्लैश के लगा के कर रहे हैं लोग, एक मिनट रिकॉर्डिंग चालू है ना, नहीं तो पूरा 8 लग जाता, पूरी एक्साइटमेंट का काम 25 हो जाता। तो विषय ऐसे कि मैं देखना चाहता हूँ वो लोग, वैसे मालवणी को भी इंटरेस्ट है, मालवणी भी आ रहा है बेचारा, AJ गेमिंग आ रहा है, निखिल आ रहा है, बहुत से लोग आ रहे हैं, गरुड़ा जी को भी बोला है, सबको बोला है मैंने, वो आ रहे हैं। स्पेशल इन लोगों को मैं क्यों बुला रहा हूँ उसके पीछे रीजन है कि जब बाइक सिलेक्शन चल रहा था तो वो लोगों को मैं बुलाने वाला था। एक कॉल आ गया, एक मिनट, चेतन जी का कॉल था, किसी भी गलत टाइम पे कॉल कर रहे हैं, वो एक्चुअली चाइनीज ऑर्डर कर रहे हैं मेरे लिए, तो मैंने बोला चाइनीज वगैरह फिलहाल नहीं,
देखते हैं अभी क्या है। हाँ, तो मैं टॉपिक क्या कि ये सब लोग आ रहे हैं उनको भी कितनी एक्साइटमेंट है, मतलब मैं बाइक में ले रहा हूँ लेकिन एक्साइटमेंट उनको भी उतनी है, बहुत खुशी से वो आ रहे हैं। मालवणी तो इतने घंटों का सफर तय करके आ रहा है बेचारा, और सब लोगों को बहुत प्यार जो देख रहे हैं इस व्लॉग को, थैंक यू सो मच गाइस, आप भी मेरे इस खुशी में शामिल हो। अभी मैं जाके बूट कैंप में एक एक लोगों का मैं मुलाकात लेता है, ठीक है। अभी मैं गाड़ी चलाता है, रात का टाइम है ना, अभी बहुत स्लो चला रहा हूँ कब से मैं, तो अभी मैं फटक से पहुंचता हूँ। चेतन भाई देखो व्लॉग शुरू हो चुका है ऑलरेडी, मैं बस पूछना चाहता हूँ कि जो बाइक अपनी आने वाली है उसके लिए आप कितने खुश हो, ऑनेस्टली बता। मुझे सिर्फ देखने को मिलेगा ना गाइस ये उस पे बैठ के, मेरे लाइफ में बहुत बड़ी बात है कि ये इतनी बादशाह गाड़ी जो श्रीमान भाई ले रहे हैं, और बहुत खुश हूँ, बहुत मतलब बहुत, इसलिए नींद भी नहीं आएगी, इसलिए चाय लेने आए ना नींद आएगी। मैंने उस तुमको किसने बोला, किसने बोला दोस्तों, मेरा डाइट में ना शुगर अलाउ नहीं है तो मैं डाइट कोक पी रहा हूँ, लेकिन मैं चाइनीज खा रहा हूँ क्योंकि उन्होंने अभी तक मुझे डाइट प्लान दिया नहीं है। और तुमको बुलाया किसने इतने रात को? हाँ, चेतन ने बुलाया मुझे दोस्तों। सिमन तू सच बता, ग्रुप में किसको गाड़ी चलने देगा? किसी को नहीं, तू झूठ बोल रहे हैं, मेरे को बोल रहा था। दोस्तों मैं गाड़ी किसी को नहीं दे सकता हूँ, मैक्स टू मैक्स उनको बिठा के फोटो निकालने के लिए दे दूंगा गरीबों को, ठीक है। ट्राई करते मैं पहले, अरे वो जड़ गाड़ी है, वो गाड़ी जड़ है, अगर ये गिरी थोड़ी सी दूंगा, थोड़ी सी इतना से इधर तक तो मुझे बताइए डेविल जी, कल हम बाइक लाने जा रहे हैं तो कैसी फील आ रही है आपको? रात्रि वसन ब्लॉग चालू है, मैं पहली बार सुपर बाइक देखने वाला हूँ, बार बार जिंदगी में उसको टच करूंगा, टच करना है मुझे उसको। और तुमको कैसा लग रहा है मेरी पूबू? ऐसा लग रहा है कि कल सुबह उठ के स्कूल की ट्रिप जा रही है और हमें ट्रिप में बहुत कुछ देखने को मिला, लेट्स गो, नुस्ता आनंदी आनंद कडे झालाय। दोस्तों मैं यहाँ पे सोने वाला हूँ और अब बजे है 4:10 हुए हैं, मैं सोने की कोशिश करने वाला हूँ। मालवणी राइडर, नेपच्यून राइडर और गरुड़ा शायद आने वाले हैं, मुझे कुछ पता नहीं डिटेल में, लेकिन आई होप आए। अभी हम सोने का विषय लेते, देखते हैं। ओ अपना भाई है, अपन इधर का भाई है, फुल बड़ा। हाँ मीठा बोल दो तो माता भाव है, अरे आप इतने जल्दी चालते मिलते जरा सा आपले वसूली विसूली चालू मत बोलो, विषय काय माहिती का तुम्ही? अरे काय आवाज नाही येते, त्या कानात टाक मोबाईल, स्पीकर नीट ऐका, नीट नीट ऐका, जरा नीट ऐका, मी इथला भाई आहे, हॅलो, तो माझा भाऊ आहे, त्याच्या तर कानाला जरी धक्का लागला ना काकी बस उलटी पालटी करल मी। हा हॅलो, माझ्या भावाच्या कानाला जरी धक्का लागला तरी स्टेअरिंग पण आम्ही घेऊ, अरे दोस्तो, अरे वो मालवणी ना, मालवणी वो इधर आ रहा है तो उसको एड्रेस बताना छोड़ के, मतलब उसकी बस यहाँ से जाने वाली है ना तो उसको 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा आगे जाना पड़ेगा, तो बेचारा इधर उतर सकता है, तो ये सब छोड़ के वो उस कंडक्टर को बोल रहा है मैं यहाँ का भाई हूँ, भाई ऐसा झोपून ऐसा तो भाई आई थी। हाँ भाई तो आए लाइट ला, लुक देखो, लुक देखो, लुक दाखवण्यासाठी लाइट ला, लुक देखो, लुक कान को भी धक्का लगा तो बस उल्टी पलटी करूंगा, मालूमी ने फोन कट केला, मालूमी बोला ये मला आता मारती, मतलब मला सॉरी दादा, ते काय चेतन कॉल कर ना फिर से। अरे पण चेतन त्याला मुद्द्याचं बोल ना, मालू तिकडे उतरायचा विषय घे ना, त्या भाईगिरी काय करतोय? हॅलो फोन दे, फोन दे, टाइम नाही, नॉट इंटरेस्ट तुझ्याशी बात, फोन दे ना। सुबह 9 बजे मालवणी
अभी तुमको टाइम बताओगे, एक बजने को आया, मैं कितने बजे उठा था, इन्होंने तैयार होते होते इतना टाइम लगाया। और ना ही वो फालतू स्टोरियां डाल रहे, साकर पूरा ये वो। अब ये वीडियो आया होगा तो आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा सब चीजों को। लेके निकलने की गोली ले रहे हैं और सीधा शुरू में घुसने की गोली ले रहे हैं मेरी जान। और ये हम आ गए कावासाकी की शोरूम में, मेरी कुबी। और ये आप देख रहे हो दुल्हन, इसके पीछे कोई है। देख अभी ने अभी आराम से उन सबको आने दो, देखो कितने लोग आए ले भाई। और अभी दो तीन बाकी है। और ये अपने साहिल भाई और मिले, उसको मेरा लुक कैसा लगा, लुक कैसा लगा, लुक लुक तो रुको वाला होगा, चॉकलेट वाला। वो दिखा, वो वो दिखा, ये दिखा, ये मेरे दोस्तों अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, इन लोगों ने, साहिल भाई वगैरह ने केक भी मंगवाया। देखो ये देखो केक, पकड़ स्टेनर ना मेरी चौबे। और ऐसी लाखों गाड़ियां और आए, आपका गैरेज फुल हो गया, नहीं तो हमसे भी भीख मारे आप। देखो स्पोर्ट्स बाइक नहीं तो आपको हेलमेट भी जरूरी है, लेकिन अपनी तो सुपर है, तो सुपर बाइक के लिए सुपर हेलमेट जरूरी है। तो ये हेलमेट लिया है क्योंकि सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। मैं पूरे राइडिंग गियर वगैरह सब लेने वाला हूँ, अभी कॉपीराइट नहीं लगना, गलती हो जाएगी। नहीं नहीं कोई टेंशन, अभी मैंने वो ग्लव्स लिए और हेलमेट लिए, और बाकी शूज जैकेट्स और जीन्स वही तकरीबन 8 किलो की है, लेकिन लेनी तो पड़ेगी। और गाड़ी और अभी ये सील पोड़ रहा हूँ इसका, लिम 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 लिमड़ा बेस्ट। ये देखो दोस्तों घर आ गए हम सब लोग, दीवान तो चल रहे। ये देखो निखिल द व्लॉगर, ये उसका गोप्रो, ये एजे गेमिंग, ये भी आए, और इसको तो आप जानते हो चेतन जी का खास रट्टेश, तलवे चाटने वाले व्यक्ति, मतलब आने के बाद डायरेक्ट पीसी पे बैठा है, सेट कर। ए लेकिन चीतो वन साइड एक्टिव रहे, वन साइड एक्टिव है बाबा, डेंजर काम है। अभी मैं अभी तक सरप्राइज खत्म नहीं हुआ, माँ को गाड़ी दिखा और पीछे काम चल रहे होगी दिखाओ। ये देखो गेमिंग रूम का काम चल रहा है, ऑकोस्टिक सीट्स मंगवाई है सारी की सारी, अभी धीरे धीरे लगाएंगे, टाइम लगेगा। अभी मैं गरुड़ा जी का टाइम वेट कर रहा हूँ जब वो आएंगे। अरे सॉरी करण जी, हमारे मशहूर व्लॉगर करण जी, अनवर मामा के खास। और जैसे राणे जी ने मचाना चालू किया है, वैसे अभी भाई भी कंटेंट चालू करने वाले हैं, मतलब टेंशन का विषय ही नहीं है। मेरी कुमा कुची कुची कुची। दोस्तों मैं ऐसे ही ना शिफ्ट हो रहा था एक जगह से दूसरी जगह, देखो क्या लग रही है यार, ये भाई साहब ये क्या लग रही है दोस्तों, ये क्या है,
दोस्तों ये क्या है, ये आंधी है, तूफान है, मेरी जाने बहारा आई काय वाटलं बघून गाडीकडे और गरुडाजी ने भी आप भी गाड़ी देखी है दोस्तों। गरुडाजी कैसा लगा गाड़ी को? राक्षस रूपी गाड़ी है कि नहीं? आवाज देखो आवाज, अभी मम्मी जी पूजा कर रही है। ये देखो गाड़ी का पूजन हो रहा है मेरी कॉबे। देखो दोस्तों पत्तों ने शुरू भी किया। स्वस्तिक स्वस्तिक रूढ़ी परंपरा प्रथा फॉलोइंग दोस्तों जते। अरे गाड़ी नॉर्मल है आई, अपनी वो पल्सर थी ना वैसी है। लेकिन एक बात बोलना चाहता हूँ भाई, जब हम गाड़ी मतलब ऐसी गाड़ी देखते थे ना, तो वो गाड़ी देखने के लिए हमारी छोटी छोटी गाड़ी उसके पीछे भगाते थे। लेकिन आज हमारे भाई ने खुद ने लाई और हम इसको हाथ लगा रहे, बहुत बड़ी बात है। अभी जरा गाड़ी की प्रॉपर कंप्लीट हो गई। टैंग 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 डरंग डैंग डैंग पत्ते सब कैसे ले। अरे पत्तू मामा को भी बिंदी, अभी मामा को भी बिंदी और कुन मामा को भी बिंदी ना मेरी कॉबे। गाड़ी सेंगे का भाई अभी व्यवस्थित तरह को स्लो पड़ गा करला दिला दोनचे चार दोनचे चार था सर। किती किती स्पीड पळवा जाई मेरी मेरी आरती वळी जा रही। देखो ने बताना माँ को, मैं बताया क्यों नहीं, इसके पीछे एक राज है। माँ को पता होता तो माँ ये लेने ही नहीं देती और मैटर क्लोज हो जाता। दोस्तों इतने सारे लोग, इतने सारे शूज बीज जैकेट विकेट पहन के एक के जेब में भी पैसा नहीं ये मोदी जी ने डिजिटल इंडिया चालू किया। यस मेरी गोवा नशीब अजून बुटक्यामाल्या माणसांना ना घेऊन आलो नाही तर आरतीला एक तास गेला असता सगळ्यांच्या। बुटक्यामाला किती लोक आहेत माहिती आहे काही? 12 लोक आले। इसके बाद की स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। विषय क्या है कि बूटकैंप पे बहुत सारे लोग आए हुए थे, तो उनके साथ हमने मस्तपैकी खाना वगैरह खाया, फिर हम गप्पे मारते मारते हुए सो गए। और उसके बाद आपके दिल में अभी बात आई होंगी कि आई बाइक की फुटेज मिस हो गई है श्रीमान की, शायद व्लॉग में तो दिखाया नहीं, और सेलिब्रेशन की फुटेज में थोड़ा सा श्रीमान ने कुछ तो मिसिंग किया हुआ लग रहा है, व्लॉग अधूरा अधूरा सा लग रहा है कि नहीं। लेकिन विषय क्या है कि जब आप किसी पे भरोसा रख के फ़ोन देते हो कि भाई तू शूट कर, और जब आपको पता चलता है कि इसने तेरे फुटेज छोड़ के किसी दूसरे व्लॉगर की फुटेज की हुई है ऐड, यहाँ तक कि बाइक व्लॉग पे मतलब बाइक राइड करते वक्त जो मैं स्टाइल मारते हुए बाइक चला रहा था, जानबूझ के वीडियो डाल रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था मेरे व्लॉग में ये सारी फुटेज आ रही है, लेकिन आ किसी दूसरे के वीडियो के लिए काम चल रहा था उनका। लेकिन ऐसे लोगों को मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि दोस्तों तुम लोगों की सच में लायक ही नहीं है, हैं जो मेन है उसी को वैल्यू नहीं दे रहे हो। लेकिन कब तक ऐसा करोगे? ठीक है कोई बात नहीं, अगले बार से मैं अपने आप पे डिपेंड रहूंगा और खुद की फुटेज खुद निकालूंगा। थैंक यू सो मच, स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर पतू 38 जो उन्होंने ये सारे फुटेज मेरे नहीं निकाले उसके लिए। मैं आपको मिलता हूँ अगली व्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखना, काल जी घया ये तो